नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम। तो यूपी में इस वक्त निकाय चुनाव का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि सभी 75 जिलों में कुल दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जहां पहला चरण 4 मई को और दूसरा चरण 11 मई को होगा, जिसके नतीजे 13 मई को आ जाएंगे। तो उस दौरान प्राइम टीवी की टीम लगातार हर एक क्षेत्र में पहुंच रही है, हर एक वार्ड में पहुंच रही है और वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों की राय क्या है, ये जानने का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि निकाय चुनाव काफी ज्यादा अहम है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो वही जब हमारी टीम गोंडा पहुंची, तो वहां हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर तोपखाना से अपनी दावेदारी पेश कर रहे वली मोहम्मद से हुई। वली मोहम्मद पहले भी सभासद रह चुके हैं और इन्हें लगातार गोंडा की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। कोरोना महामारी में ये लोगों की सेवा भी कर चुके हैं और जिगर मुरादाबादी मैदान का इन्होंने कायाकल्प भी कराया था। तो कोरोना महामारी में ये लोगों की सेवा भी कर चुके हैं। जी हाँ, वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर तोपखाना से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वली मोहम्मद पहले भी सभासद रह चुके हैं, यही वजह है कि जनता का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। तो जिगर मुरादाबादी मैदान का वली मोहम्मद कायाकल्प भी करवा चुके हैं और इस बार भी ये चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर तोपखाना से अपनी दावेदारी पेश कर रहे वली मोहम्मद हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। वली मोहम्मद जी, पहले तो प्राइम टीवी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ठीक है वली मोहम्मद जी, निकाय चुनाव में अब बहुत कम दिन का समय बचा है, क्योंकि 4 मई को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और प्रचार में भी अब बहुत कम दिन का समय रह गया है। तो आप किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं? मेरी बात की जनता फिर वो चुनाव लड़ रही है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ भी जाता हूँ मैं उनका बहुत सम्मान मिलता है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार। ठीक है वली मोहम्मद जी, आप पहले भी सभासद रह चुके हैं, तो वो कौन कौन से काम हैं जो आपने कराए थे, एक बार उस पर एक नजर डलवाइए हमारी। मैम, जैसे हमारे यहाँ जिगर मुरादाबादी का सुंदरीकरण कराया गया, एक छोटा सा मैरिज हॉल बनाया गया, जमीन मजबूत पड़ी हुई थी सरकारी योजना बनवाया, जो शादियाँ हो रही हैं और कोई मंदिर मस्जिद पे हमारे मेले में अच्छी नहीं जहाँ इंटरलॉकिंग और लाइट से और उसके सामने लाइटें लगी हुई और इंटरलॉकिंग हुए, घर घर में कनेक्शन हुआ है, पानी कोई घर नहीं जहाँ कनेक्शन ना हो, पानी का पानी ना हो, तो मेरे को चैलेंज है पूरे मंदिर कि कोई घर ऐसा नहीं जहाँ वाटर सप्लाई कनेक्शन ना हो। ठीक है वली मोहम्मद जी, 2023 का निकाय चुनाव काफी नजदीक है, तो और भी जाहिर सी बात है कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर अभी काम करना बाकी होगा, तो वो और ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिस पर अगर जनता का आपको पूर्ण समर्थन मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं तो काम करवाएंगे? हमारे पास दो काम बचे, लगभग सारे काम वार्ड में चुके हैं। एक है काम जमीन का रखा हुआ, जो माननीय विधायक जी और सांसद जी से मेरी मुलाकात 2-3 महीने पहले भी हुई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि चुनाव हो जाने को फिर आपके यहाँ कुछ खंभे और वो ट्रांसफार्मर और एक लोड के लिए काफ़ी लोड ऐसा हमारे यहाँ उठाने में एक नया ट्रांसफार्मर नकली रखने के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं चुनाव के बाद खत्म होने के बाद तुरंत मैं आपके यहाँ काम करवा रहा हूँ। और एक काम मेरा पड़ता है, एक छोटी मोटी नालियाँ छोटी मिनट तक साल की सभा कर और एक छोटी मोटी जो नालियाँ खुलियाँ एक दो बच्ची हुई हैं उनको निर्माण करने, बाकी सारे लगभग मेरे वार्ड के काम पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है वली मोहम्मद जी, ऐसा कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कुछ काम कर रहे हैं? आज युवा मेरे साथ हाथ हाथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ हुआ, पूरा एक हुजूम है हमारे साथ महल का युवाओं का कि हमारे दिखाने के लिए उत्साहित है कि कब 4 तारीख आए और तले वाले चाबी पर मोहर लगा हुए जल्दी मामा फिर से तीसरी बार सभा सत्ता उत्साहित है हमारे महल की जनता। ठीक है वली मोहम्मद जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपके क्षेत्र में जो ज्यादातर काम है वो हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो वो दो काम सबसे पहले आप कौन से करेंगे जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल? बच्चों का एक पार्क बनवाना है, वो मेरे शासन को लेकर इसके पहले उसके चल रहा है, जो चुनाव बाद होगी उसका एक काम जिम के लिए, ओपन जिम के लिए, यहाँ बच्चों को और हमारे आस पास जैसे पार्क वगैरह ये सब बनाने के लिए कुछ जमीन ढूंढी जा रही थी, जमीन नहीं मिल पाई थी, तो बस जमीन की थोड़ी तलाश है, जमीन मिल भी गई है,
इस बार कोशिश यही रहेगी कि वो चीज जरूर की जाए जो चीज बची हुई है जो काम। ठीक है वली मोहम्मद जी, अभी जैसा कि जब मैं आपके बारे में जानकारी ले रही थी तो मैंने ये भी सुना कि आप पहले भी सभासद रह चुके हैं, तो आपका ये सफर कैसा रहा 5 सालों का बतौर सभासद? बहुत अच्छा था मैम, यहाँ जितना मान सम्मान, यहाँ जितने चार पाप से हट के लोग ने काम किया, ना मैंने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा ना सिख, ना ईसाई, हमारे दरवाजे जो भी आया उसका मान सम्मान किया गया है। आज वही नतीजा है जो हमारे साथ जनता खुद लड़ रही है, मैंने कहीं जाना नहीं पड़ा चुनाव के लिए, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मना किया जाता है आप यहाँ ना आइए, आपको खुला समर्थन है और पूर्ण समर्थन हमारे जनता मेरे साथ खड़ी है। ठीक है वली मोहम्मद जी, भी आपने जिक्र किया कि आपको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आप जब भी जाते हैं तो लोगों का हुजूम आपको किस तरह से देखने को मिलता है, और जब लोग आपको लेकर इतना अच्छा सोचते हैं या लोग आपसे इतना खुश मिजाज होकर मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है मैम, लगता है कि मैंने जो किया वो मुझे आज मिल रहा है और उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो अच्छा, अच्छे से अच्छा, मतलब जो हमने सोचा नहीं था कभी उससे अच्छा हमें तूफान मिल रहा है हमारे लोअर रोड से, हमारे साथ से, मतलब मैं गली से निकलता हूँ कहीं शादी में जाता हूँ तो सब लोग मेरे साथ चल देते हैं शायद भैया वोट मांगने निकले हैं, यहाँ का बड़ा मान सम्मान लोगों का, बहुत इज्जत लिया, इस इज्जत और मान सम्मान को एक वार्ड वासी को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है वली मोहम्मद जी, कोरोना काल में भी आपने लोगों की काफी मदद की थी जिस वजह से आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं, तो कोरोना में आपने किस तरीके से लोगों की मदद की थी ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैम इस तरह नहीं किया गया, इस तरह क्या है किसी को पता ही नहीं चला, उनकी मदद हो गई और उनके हर चीज उपलब्ध कराई गई। हाँ जो लोग छोटे उद्यम नहीं कर सकते और जो नहीं बोल पाते हो या नहीं कह पाते, बाकी कोई घर ऐसा या कोई भाई, बहुत लोग लेने वाले, बहुत देने वाले भी हमने कुछ लोग ने दिया है और जो उनके साथ किया कोई व्यवहार हमने नहीं किया है, वो सारे लोग ये तो ढोंडा वासी सारे लोग हमसे मिलते हैं कि आपके वार्ड में कोई समस्या हो तो किया जाए, सबका जो हमारे दरवाजे पर आया जो मैंने जिनके यहाँ गया है कुछ भी किसी की कमी नहीं होने दी है लोगों को कोरोना काल में। वैक्सीन ले लीजिए मैम, हमने वैक्सीन कम से कम नहीं तो सबसे ज्यादा गोंडा जिले में आप रिकॉर्ड उठा के सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने लगवाया है, दवा छिड़काव साफ सफाई कोरोना काल में सैनिटाइजर सबसे ज्यादा काफी नगर तो खाने में हुआ है, मच्छर की दवा या कुछ भी है कोई चीज ऐसी बची नहीं है जो आज हमसे कोई शिकायत करे हमारे महिला ले भाई आपने ये नहीं कराया वैक्सीन है और ये सब, मतलब कोरोना काल की बात है मैम तो बढ़ चढ़ के हिस्सा हमने लिया कोरोना में, अपने मोहल्ले वालों को मैं सुबह शाम निकलता था परेशानी पूछता था, लोग बताते थे जो परेशान होते थे वो बताते जो अच्छे लोग हाल चाल लेके ठीक है। वली मोहम्मद जी आप पहले भी एक बार सभासद बन चुके हैं और आपने और कितने चुनाव लड़े हैं पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं मैम यही एक दो बार सभासद हुआ हूँ, उसके बाद में सभी चुनाव जब से लड़ा हूँ जब से जीत रहा हूँ और इस बार भी आपका आशीर्वाद और मोहल्ले वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है, एक बार में तीसरी बार भी सभासद होने जा रहा हूँ, भारी मतों से विजय होगा अगर आपके आशीर्वाद मोहल्ले वालों का बना है बना हुआ है, हमारे हमें पूरा यकीन और भरोसा मोहल्ले वालों की तीसरी बार मुझे सभासद बनाने जा रही हूँ और सबकी और इससे बढ़कर हिस्सा लेंगे और काम किया जाएगा और विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। ठीक है वली मोहम्मद जी, लगातार आप इतने सालों से चुनाव जीतते आए हैं, आपका राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा? राजनीतिक सफर मैम बहुत अच्छा था और यहाँ का जो मान सम्मान मिला है अभी महीने शायद हम लोग के मानने के बाद में ही छोड़ा जाए, जो मान सम्मान यहाँ इतना सफर सफर यहीं से शुरू होगा यहीं से खत्म भी होगा इसी महीने। ठीक है वली जी, जब आप पहली बार सभासद लड़े तो आपके सामने चुनौतियां किस तरीके से आई और आप उन चुनौतियों से फिर बाहर कैसे आए, क्योंकि जब भी कोई नया नया राजनीति में आता है जब वो सोचता है कि लोगों की सेवा करेगा तो अक्सर उसको पीछे बहुत खींचा जाता है, तो आप उन सब चीजों से बाहर कैसे आए? जी मैम, मैं दूसरे महीने से यहाँ आया था लड़ने, मुझे बहुत परेशानियां हुई थी, इसमें मैं शायद 20-25 वोट से चुनाव जीता था उससे और जब मैं जीता यहाँ से तो बहुत जब लोगों के पास जाए तो रात होगी कि दूसरे महीने से आया हूँ और क्या हो क्या ना हो, जो मैं जब मैं सब लोगों के पास गया वहाँ पे पहुँच के आया तो मैंने कहा चुनाव लड़ रहा हूँ तो बहुत लोग कहने लगे भाई वो पुराने हैं ये नए, लेकिन जो 4-5 वोट से जीते हैं वो बहुत शुक्रगुजार और बड़े से जीते बहुत शुक्रिया है और धन्यवाद देता हूँ महिला को। जब दूसरी बार में जब पहली बार 20 वोट जीता, दूसरी बार लगभग 7,000 वोट था और 700 वोट जीता और इस बार उससे भी ज्यादा वोट जीते जा रहा हूँ, उसी में वो उसी का नतीजा आज है और वही सब चुनौती हमारे साथ कोई चुनौती नहीं है। यानी आपने राजनीति की एक शानदार पारी खेली है,
लेकिन अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करूंगा, इस बार वार्ड नंबर 10 से काफी नगर तो खाना से मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे मामू प्रत्याशी हूँ, निवर्तमान टीम आसमान को वापस दें, इस बार भी कालाचारी पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाऊंगी, जो भी कमी होगी मालिक कहेगा उसको दूर की जाएगी, इसके बाद तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगी, बस ये मेरा ये विनती है मेरे वार्डवासियों से कि अवसर रहने के माध्यम से कि मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, जो मैं 2 बार से विजय बना है उससे भी खड़े उतरूंगा, उससे ज्यादा भी काम किया जाएगा। ठीक है वली जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे लोगों को लाभ हो सके, तो आप अपने जो क्षेत्र है वहां तक योजनाएं कैसे पहुंचाते हैं? मैं घर घर गया हूँ मैम, आप कभी कभी अगर घर आए बोलने से और घर भर कर मैं योजना बताने जाता हूँ, मेरी ऑफिस है, मेरा घर है, वहाँ लोग आते थे, मैं फॉर्म भरता था, वो चाहे कह लीजिए कि श्रम कार्ड हो या कह लीजिए जो 4 लाख जो दवा वाली फ्री मोदी जी की जो स्कीम है वो घर घर में है, हमारे यहाँ राशन कार्ड घर घर में है, कोई सा घर नहीं जहाँ राशन कार्ड ना हो, एक दो घंटे में बात नहीं कर सकता हूँ जो नए लोग करते हैं, बाकी कोई घर ऐसा नहीं राशन कार्ड ना था, दोनों में सबसे ज्यादा कार्ड मैंने बनवाया है, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा गंदा। ठीक है, आपने बताया कि आपने योजनाओं को पहुंचाया, आपने युवाओं के लिए काम किया, आपने महिलाओं के लिए भी काम किया होगा, तो महिलाओं के लिए आपने किस तरीके से काम किया एक बार हमारे दर्शकों तक ये भी पहुंचाएं। महिलाओं के लिए मैं बहुत सारे काम किया गया है, महिलाओं के लिए यानी कि पानी की समस्याओं को कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए दूर करने का प्रयास किया है आपने? विद्या पेंशन, शौचालय जो यहाँ खेत में जाते थे अपने घरों में सब बनाया, 150 लोगों को शौचालय हमने बनवाया है, आज मालिक का कह रहा है कि महल्ले वाले हमारे जो है अपने घर में ही शौचालय लिए या फिर शौचालय ऐसा घर नहीं जहाँ शौचालय न बना, और कई को शौचालय बड़े बनाए गए यहाँ पे, उसमें सारे लोग आते जहाँ का नाम होता है। ठीक है बशीर जी, जी वली मोहम्मद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने राजनीति की एक शानदार पारी खेली है, लेकिन आप अपने राजनीति में आने का श्रेय किसको देते हैं? आपने अभी जिक्र किया कि आप लंबे समय से सभासद रहे हैं और लगातार जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, यही वजह है कि आप लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन आप अपने राजनीति में आने का श्रेय किसको देते हैं? क्या आप किसकी वजह से राजनीति में आए या किससे प्रभावित होकर राजनीति में आए? तो देता हूँ कि भाई हम लोग जो यहाँ आए मुझे प्यार मिला, मैं जितने महीने से लड़ने आज तक वो प्यार बरकरार है, और उसी प्यार की वजह से मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ इन लोगों को, ना मैं मुझे छोड़ना चाहता हूँ, इन्हीं की वजह से जीऊँगा मरूंगा, जो भी उसके लायक कर लूंगा, मैं सब बनी ना बनू तभी मैं इनसे इनका सेवा करता रहूंगा, बहुत प्यार मिला यार, आवाज आवाज वगैरह महिलाओं के लिए तो आवाज मिला यार, जिसमें मैंने 1 रुपए किसको नहीं देने दिया है, बाकी जो भी हुआ नहीं करा सके, लेकिन मुझे 10 साल से कोई नहीं बताता 1 रुपए किसी स्कीम या किसी उसमें लिया गया, तो आज इस्तीफा दिलवा देने के लिए आज हम लोग अगर कोई एक आदमी बंदा मेरे महिला बता दे 1 रुपए किसी लिया गया है। ठीक है वली मोहम्मद जी, आपको जब जनता का इतना प्यार मिला तो आपने ये नहीं सोचा कि आप कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको एक अच्छा सिंबल मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए? जी मैं? मेरा सवाल ये था वली मोहम्मद जी कि आपको लगातार जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, कई सालों से जनता का समर्थन आपके साथ है, तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपको एक बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, आपको उनका सिंबल मिल जाता चुनाव लड़ने के लिए? मैं कोई पार्टी ना हूँ ना मैं कोई पार्टी बनाता हूँ, मेरे पार्टी लिए यहाँ यही की जनता है, मेरी जनता जहाँ कहता है वही कहती है, वहीं मैं रहता हूँ और जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, पार्टी हमारे लिए कोई महत्व नहीं, हमारे लिए महत्व लवाती हमारे सबसे बड़ी पार्टी हमारे यही के लोग। बिल्कुल वली मोहम्मद जी, अब आप अपने क्षेत्र की जनता से एक बार अपील कर दीजिए हमारे माध्यम से। अपील ये कि इस बार हमें अपना तीसरी बार विजय बनाऊं, भारी मतों से काले चाबी पर मुहर लगाऊं, और इंशाल्लाह जो भी काम बचे होंगे उसको पूरा किया जाएगा, गलतियां हुई होंगी, मैं जनता के बीच में 500 साल 700 साल रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई ना कोई गलतियां हुई होंगी, मैं नहीं कहता हूँ 100% मैंने कुछ कर दिया, उसको इस बार दूर की जाएगी, कैसे भी दूर जाए, विधायक जी से कहना पड़े, सांसद जी के या सांसद जो भी काम हो उस काम को पूरा किया जाएगा।
बिल्कुल, धन्यवाद वली मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो भी सोच है वो हमारे दर्शकों तक सीधे तौर पर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि जब हमारी टीम गोंडा पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात जो है वो वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर तोपखाना से अपनी दावेदारी पेश कर रहे वली मोहम्मद से हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता है, क्योंकि मैं जनता के बीच सक्रिय रहता हूं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और जनता का समर्थन मेरे साथ है। तो वली मोहम्मद नगर संग्राम के खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस दौरान वो दावेदारी पेश कर रहे हैं निकाय चुनाव में, तो उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने किस तरीके से जनता का विकास किया ये भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।